हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी सुबह के बज गए 9:30। और तो भाई पगलू तो सुबह ही दुकान पे आ गई थी और मैं थोड़ी देर पहले आया था नहा धो के। और बाकी भाई देखो, पोटर में तो राइट बज नहीं रही, एक राइट आई थी वो भी दूसरे बंदे ने उठा ली। अभी ये बजी है मेरी राइट, ये बजी है उसमें उबर में, तो उबर में 134 रुपये की राइट मिली है मुझे और ये हुड्डा सिटी जाना है मुझे। तो भाई चलते हैं, पिकअप भी यहीं पे है, पास में ही है ये पिकअप लोकेशन। पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ, मैं ये देखो 650 मीटर है। तो भाई चलते हैं और पिकअप करते हैं। आपको मिलते क्या हुड्डा सिटी मेट्रो में? आपको मिलते हैं, कुछ बोलना चाहोगी? तो भाई चलता हूँ क्योंकि शाम को फिर जल्दी भी आना है। लोकेशन पे तो मैं पहुँच चुका हूँ और माँ के मैडम ये यहीं पे हैं। आ जाओ। बंद हो जा, बताओ OTP बताओ। 6351। ये लो हेलमेट पहन लो। तो भाई अगर डिस्टेंस की बात करें तो 16 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 30 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें। अरे मोटर बंद हो जा भाई। तो भाई फाइनली लोकेशन पे तो पहुँच चुके हैं। तो भाई छठे ऑनलाइन है तो चलो भाई इस ट्रिप को कर देते हैं एंड। और बाकी और पेमेंट जो है ऑनलाइन है वो, और 5 स्टार के साथ डन। अभी दिखाएगा यहाँ पे देखना। तो भाई इसमें मुझे 131 रुपये मिले 16 किलोमीटर के, तो भाई चलो सही है भाई। और पहली राइड जो थी वो बहुत ही अच्छी राइड थी भाई, 16 किलोमीटर के 131 रुपये मुझे मिले। तो चलो भाई यहाँ से अब करते हैं हम पोटर अपना ऑन और बाकी इस हेलमेट को भाई यहाँ पर लगा देते हैं ताकि यहाँ पे ये लो, ये हो गया हेलमेट का काम भाई। यहाँ पे बन रहा आज भंडारा बन रहा है आज यहाँ पे। चार सौ मीटर दिखा रहा है 30 रुपये। ओ भाई 141 DLF फेस 44। अरे फिर से फेस्ट हो गया यार, DLF की बजे फेस 14 की। तो भाई ये भी किसी ने ले लिया यार, मतलब आज पोटर में काम मेरी किस्मत में है ही नहीं भाई। ये देखो फिर से 37 रुपये की आ गई है ये बादशाहपुर की भाई। अबे यार उठा लो क्या, 400 मीटर तो दिखा रहे हैं, चलो उठा लेते हैं। ये देखो भाई ये भी इसी के अंदर है, 400 मीटर दिखा रहे हैं, इसी के अंदर है। चलो भाई ले OTP बताओ। 3678 हेलमेट ले लो। तो भाई यहाँ से 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है और इसमें मुझे दे रहा है 37 रुपये, इसमें से कट पिट के मेरे को 30 रुपये मिलेंगे भाई। आज पोटर वाला तो मुझे काम देगा नहीं, चलो भाई ऊबर में ही काम कर लेते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा काम मिल जाता है हमें ऊबर में। और पोटर का तो भाई पोटर तो आज दे ही नहीं रहा भाई, जितने भी राइडें दे रहा है भाई दूसरा बंदा उठा ले रहा है, क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं इस राइड को कम्प्लीट करते हैं। तो भाई लोकेशन पर तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ओके ऑनलाइन भाई, अभी मैंने ना 3 राइड मारी, 3 के 3 ऑनलाइन है भाई, क्या कर सकते हैं, 3 के 3 राइड ऑनलाइन 5 स्टार के साथ डन। तो भाई अगर अर्निंग की बात की जाए तो अभी एक नहीं 9.5 डेढ़ घंटे में 200 रुपये काम हो चुका है भाई। भाई 1.5 घंटे अगर पोटर में करता ना तो अभी शायद मैं 250-300 का काम कर लेता आराम से। तो भाई पोटर में काम ही नहीं मिल रहा, क्या करें यार। और तो अभी देखते हैं भाई यहाँ से अगर पोटर में काम मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो भाई आज मेरे को लग रहा है मुझे रैप उबर ही चलाना पड़ेगा आज दिन भर।
मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। और बाकी भाई चलो यहाँ पे वेट करते हैं। तो भाई एक राइड और मुझे मिल चुकी है यहाँ पे, देखो तो मैं दिख नहीं रहा हूँ भाई। और ये है, ये मदनपुरी की है, सेक्टर 7 गुड़गांव की, और ये जाएगा सेक्टर 49 से। तो चलो भाई उठा लेते हैं इसे, एक कम से कम पहली राइड तो मिली जो एक्सेप्ट होगी अभी पोर्टर में वो भी। तो चलो भाई यहाँ पे पिकअप लोकेशन तो मैं दिखा देता हूँ, डिस्टेंस कितना है यहाँ से। अब भाई 5 मिनट लगने वाले हैं भाई, 5 मिनट, 1.5 किलोमीटर है। चलो बहुत बढ़िया है भाई। और तुम्हें मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, और 138 रुपये की ये राइड आई है। तो चलो भाई पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। दर्द नहीं हुआ तुमको यार? नहीं यार। तो भाई फाइनली पार्सल मैंने ले लिया है, और बाकी ये भाई गत्ते हैं, ये देख लो ये गत्ते हैं, ये बस हो गया, इसी की डिलीवरी करनी है मुझे यहाँ से गुड़गांव की। तो चलो भाई, अब भाई ये क्या हो गया, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ से डिस्टेंस 24 मिनट लगने वाले हैं। और ये देखो भाई 9.5 किलोमीटर है, 9.5 किलोमीटर में 24 मिनट मुझे लगने वाले हैं। बाकी हम अगर फ्लैटों में आते हैं ना, तो अगर पिकअप के लिए अगर फ्लैटों में राइड हमें अगर फ्लैटों से मिलती है ना, तो भाई ये होता है कि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है भाई। पहले तो सबसे पहले गेट पे एंट्री करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद अंदर फ्लैटों में चलना पड़ता है भाई, बहुत कुछ है। तो यहाँ हमें, यहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है फ्लैटों में। और भाई बाकी अभी भी मेरा 20 मिनट तो ऐसे ही चले गए होंगे भाई। तो भाई यहाँ शॉट मारने का है क्या कोई रास्ता? हाँ बात करो। हेलो, डिलीवरी मैंने कर दी है, बाकी ट्रिप को कर देते हैं एंड। और भाई तुम्हें दिखाता हूँ मैं, 138 रुपये, और बाकी इस और 5 स्टार के साथ इसे डन कर देते हैं भाई। तो भाई इसमें मिले, मुझे मिले 110 रुपये। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं। तो भाई ये एक राइड और बज गए गुड़गांव, ये सुबह सेक्टर 12 से बजी, सेक्टर 12 से, और ये सुपर मार्ट जाएगा डीएलएफ फेज 1। तो चलो भाई चलते हैं, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पिकअप लोकेशन। पिकअप डिस्टेंस भाई 8 मिनट लग रहे हैं, तो मतलब ये है 2 किलोमीटर। ये देखो भाई 2 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 मिनट मुझे लगने वाले हैं। तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूं, और वहाँ के भाई पोटर से? हाँ पोटर से। ये क्या मेडिसिन है क्या? अच्छा, तो भाई फाइनली पिकअप ले लिया भाई, ये है मेडिसिन, इसमें जाएगा। और बाकी तुम्हें मैं यहाँ से डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ। पेमेंट आप करोगे? एक मिनट रुको फिर, और डिस्टेंस तुम्हें दिखा रहा हूँ भाई, मुझे लगने वाले हैं 26 मिनट और 8 किलोमीटर है ये। तो चलो भाई इस ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। लो लो भैया एक बार फ़ोटो ले लो इसकी, लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हॉस्पिटल है क्या? हाँ, तो भाई यहाँ पे दिखा रहा है हॉस्पिटल, ये सामने है ये, तो इसे मुझे डिलीवरी करनी है। चलो भाई डिलीवरी कर देते हैं भाई, फाइनली डिलीवरी कर दिए, और तो ट्रिप को एंड कर देते हैं। और आ जा भाई, तो ट्रिप को एंड कर देते हैं, 5 स्टार के साथ इसे डन कर देते हैं। और भाई देखो अर्निंग की बात की जाए तो भाई 212 रुपये 2 घंटे 3 मिनट में। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे एक राइड और मिल चुकी है, ये है सेक्टर 54 गुड़गांव से, और ये जाएगा उद्योग विहार सेक्टर 20। तो भाई तुम्हें पिकअप डिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ भाई 4 किलोमीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस, 4 किलोमीटर भाई, वो तो ज़्यादा हो गया कुछ। ओ भाई, और ये राइड है 160 रुपये की, और पिकअप लोकेशन जो है वो 4 किलोमीटर दिखा रहा है यार, कुछ ज़्यादा हो गया ये तो मेरे को लग रहा है। तो चलो भाई चलते हैं, क्या करें, ले तो लिया मैंने। बहुत टाइम लग गया यार भाई, पेमेंट कौन करेगा वहीं पे? तो भाई फाइनली मैंने पिकअप ले लिया है, और बाकी भाई तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं कितना है, 158 रुपये की ट्रिप है ये। और बाकी भाई स्टार्ट हो जा भाई, बारिश भी आने वाली है, देखो ये हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यार, अब कर दिया इसने मूड ख़राब, और थोड़ा सा काम होने लगता है तो भाई बारिश स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती, ये चीज़ मैंने देखी है भाई।
अभी मैं 10-15 मिनट ऐसे भटकता रहा भाई, क्योंकि वो ही नहीं मिल रहा था भाई। सी अट्ठावन नहीं, मैं C57 वहाँ पे है और वहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पे है भाई C58। क्या यार, अब बाकी भाई देखता हूँ एक बार डिस्टेंस कितना है भाई। ये भी तो नहीं काम कर रहा अब, अभी से क्या हो गया। अबे यार आजा मेरे भाई, भाई आ गई है बारिश। ये देखो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। चलो भाई इसके नीचे थोड़ा सा आसरा ले लेते हैं। माँ के देखो भाई बारिश आ गई यार, और डिस्टेंस तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूँ भैंस के। तुझे ये क्या हो गया भाई। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी मेट्रो के नीचे, और वहाँ के सारे राइडर यहाँ पे खड़े हैं भाई। वहाँ के इधर भी दिख रहे होंगे तुम्हें। तो भाई चलो ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं, और तुम्हें मैं यहाँ से डिस्टेंस दिखा देता हूँ उद्योग बिहार का सेक्टर 20 का। भाई 17 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें, और 11 किलोमीटर दिखा रहा है। देखो आना इधर से ही है, मैं उल्टा आ गया ना, नहीं तो मुझे 1-2 किलोमीटर कम पड़ जाता। चलो भाई 11 किलोमीटर 17 मिनट में कंप्लीट करना है। भाई अभी थोड़ा बहुत बारिश बंद हुई, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की आ रही है बारिश अभी भी। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे अगर तेज आएगी ना बारिश वहाँ पे हम रुक जाएंगे, नहीं तो भाई यहाँ के खड़े ही रह जाएंगे यहाँ पे शाम तक। आ चुका हूँ DLF साइट में, और ये उद्योग बिहार साइट। तो यहाँ पे देखो बारिश बिल्कुल भी नहीं, ना बूंदे भी नहीं गिर रखी यार। और लेकिन उस साइड में गुड़गांव साइड सेक्टर 54 साइड बारिश हो रही है। अब बताओ यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बूंदाबारी कुछ भी नहीं, मतलब मौसम तो ख़राब हो ही रखा है। देख लो मौसम तो ख़राब हो ही रखता है, कभी भी हो सकती है बारिश यहाँ पे भी। चलो भाई पहुँच तो गया हूँ मैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो बाकी राइड कम्प्लीट करते हैं। लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ, और भाई इसे अभी कॉल किया था तो बोलने भाई गार्ड रूम में दे दो। चलो भैया पुटर से अभी आ रहे हैं भैया, कैमरा लगा है। हाँ ये चीज़ है, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी आपकी। ऑनलाइन ठीक, तो भाई जो पेमेंट है वो ऑनलाइन है। और तो इस ट्रिप को एंड कर देते हैं, 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं भाई। तो चलो भाई उद्योग बिहार है, इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, तो यहाँ से कुछ ना कुछ राइड तो मिले। देखो मिलेगी ना राइड यहाँ से भाई, मोतीबाग की है न्यू दिल्ली, 190 रुपये की, 89 भाई किसी ने ले लिया ये राइड भाई। मुझे एक राइड और मिली है पोर्टर में, देखो सेक्टर उद्योग बिहार सेक्टर 20 से, मतलब जहाँ से मैंने डिलीवरी किया अभी वहीं से मुझे एक राइड मिली है। और वो राइड है, देखो वो राइड ये जा रहा है सेक्टर 19 में, सेक्टर 20 से सेक्टर 19 में। चलो भाई यहाँ पे पूछ लेते हैं एक बार, गार्ड साहब यहाँ पे पोर्टर कोई पार्सल है? पार्सल है हाँ देना। तो चलो भाई ये क्या है पता है, ये कपड़े का पीस है, और तो इसी की डिलीवरी करनी है। और 69 रुपये दिखा रहा है, 70 रुपये लगा लो। तो चलो भाई इसकी डिलीवरी कर देते हैं, 1.5 किलोमीटर के मुझे 70 रुपये दे रहा है, तो चलो भाई इसकी डिलीवरी कर देते हैं। ओए उस्ताज मोबाइल में देख रहा है लौंडा, मतलब आगे से मोबाइल में ज़्यादा ध्यान है ना, तो पता ही नहीं चल रहा बंदे को कहाँ गाड़ी जा रही, कहाँ आगे से आ रहा है बंदा। तो भाई 1.5 किलोमीटर के मुझे मिलने वाले हैं 70 रुपये। तो चलो इसको इसकी डिलीवरी कर देते हैं, मुझे यहीं पे डिलीवरी करनी है 590 पे। गार्ड साहब ये लो देखो, ट्रिप को कर देते हैं एंड, और ये ऑनलाइन होगा शायद, मेरे को लग रहा है ऑनलाइन ही होगा। तो भाई पेमेंट है ऑनलाइन 69 रुपये, और इसको 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं भाई। यहाँ से बजेगा मुझे ये देखो 400 नोएडा भाई, नोएडा की बजरी है भाई, नोएडा जाना है भाई सेक्टर 19 से नोएडा की बजरी भाई। भाई मुझे पता है, मुझे ना यही चाहिए था, मैं सोचा था भाई कि यहाँ से नोएडा की बजे लंबी राइड। और देखो ये बजरी भाई नोएडा, अभी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, यह है उद्योग बिहार सेक्टर 19 से, और ये जाएगी भाई नोएडा, और ये जा रहा है ये नोएडा सेक्टर 62। तो चलो भाई नोएडा की राइड मिल गई है, और ये राइड मिली है मुझे 424 रुपये की, लगने वाले हैं 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो चलो भाई, तो भाई फाइनली पार्सल मुझे मिल चुका है, और तो मुझे इसी की डिलीवरी करनी है भाई यहाँ से नोएडा। तो चलते हैं और इसकी डिलीवरी कर देते हैं भाई। इसमें भाई ये तो नहीं पता है क्या चीज़ इसमें, तो चलो भाई
ये वही होगा, सैंपल होगा यहाँ से, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है ना ये, तो यहाँ से सैंपल ही जाएगा भाई। तो चलते हैं, इसकी डिलीवरी कर देते हैं भाई यहाँ से नोएडा। स्टैंड से दिखा देता हूँ कितना है, तो ट्रिप कर देते हैं स्टार्ट। अरे भाई खुल जा, तो भाई डिस्टेंस देखो भाई, 1 घंटा 15 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें, और ये 41 किलोमीटर है यहाँ से नोएडा। ओ भाई सॉरी भैया, जा रहा हूँ अभी कापाछड़ा से ये होते हुए जा रही है ये रूट। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई खाना पीना खा के चले जाएं, और तो मैंने पगलू को कॉल कर दिया कि भाई खाना बना के रखो, मैं आ रहा हूँ और खा पी के निकल जाऊँगा भाई। तो 5 मिनट लगेंगे खाना खाने में, बस हो गया, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो भाई चलते हैं, और पगलू खाना बना रही है, मैंने कहा भाई खाने में कुछ नहीं, 2 रोटी 2 पराठे और मैगी बना दे शॉर्टकट में, जल्दी से हो जाएगा भाई, क्योंकि अब मैं बाहर खाऊँगा नहीं। तो चलो भाई वहीं से, अगर तो अगर रूम के सामने से होते हुए जा रहे तो भाई घर का खाना ही खा के क्यों ना चले जाएं। तो अभी 2 बज रहा है, तो चलते हैं। एक डेढ़ घंटा लगेगा, क्योंकि जाम वाम भी रहता है भाई, तो 1.5 घंटा मान के चलो। तो चलते हैं, खाना पीना खा के निकल जाएंगे वहाँ। तो भाई फाइनली मैं आया था रूम पे खाना पीना खाने, और बाकी खाना पीना खा लिया। ये देखो ये पगलू और ये हमारी भाभी, तो भाई भाभी भी आई है पगलू से मिलने। तो चलो भाई, मैंने तो खाना पीना खा लिया, मैं यहाँ से चलता हूँ, और बाकी ये है भाई जा रहा हूँ, खाना पीना मस्त खा लिया है, बाकी पगलू ने एकदम खाना टेस्टी खाना बनाया था, तो वही खा के अभी निकल रहा हूँ, इसी की डिलीवरी करनी है। इसने पकड़ ले रहा, देखना हाथ में ले लिया, लाओ ठीक है गप्पे। तो भाई मुझे जाना है एक बी टावर, 11वें फ्लोर पे जाना है भाई, तो चलते हैं ऊपर, देख रहे हो। तो भाई मैं आया हूँ अभी 11वें फ्लोर पे, और बाकी यहाँ से सीन देखो। ये है नोएडा, नोएडा का सीन देखो भाई, 11वें फ्लोर से। तो भाई फाइनली डिलीवरी कर दी है, और तो इसको 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं। और तो भाई अर्निंग की बात की जाए ना, ये देखो ये 733 रुपये, और ये है 5 घंटे 55 मिनट में, मतलब 6 घंटे में 755 रुपये की अर्निंग हो चुकी, 733 रुपये की अर्निंग हो चुकी है भाई। आधे घंटे के बाद मुझे एक राइड मिली है, और वो मिली है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये नोएडा सेक्टर 63 से मिली है मुझे दिल्ली की भाई, और ये दिल्ली में जाएगा। देखो ये लोटस हैम्बल्स फूड्स लेंस कुछ है भाई, ये है सुल्तानपुर न्यू दिल्ली। तो भाई मुझे मिली है सुल्तानपुर की, तो सही है भाई, उसी साइड मुझे जाना भी था। और ये 377 रुपये की ये राइड मुझे मिली हुई है, तो चलते हैं भाई पिकअप लोकेशन में, तो मैं दिखा देता हूँ। और ये है पिकअप लोकेशन, पिकअप ये देखो भाई 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं भाई पिकअप करते हैं, और उसके बाद भाई जहाँ की राइड मुझे चाहिए ना वहीं की राइड मुझे, मज़ा आ गया। तो भाई फाइनली लोकेशन पे तो मैं पहुँच गया हूँ, भाई कॉल भी आ गया, लो हेलो भैया मैं पहुँच तो गया हूँ, किस पे आना है, H58 पे हूँ मैं अभी, H57 पे आना है ना, ठीक है ठीक है, अंदर ही आ जाऊँ, ठीक है भेज दो भैया, आ गया हूँ मैं। गार्ड साहब H57 है ना ये, गार्ड साहब कौन सा, ये वाला है क्या गार्ड साहब, ये वाला है, सॉरी भाई थोड़ा सा आगे करना यार, सॉरी यार, यार।
तो भाई वेट करते हैं यहाँ पे, अभी ऊपर से भेज रहे हैं नीचे। तो भाई फाइनली पार्सल मुझे मिल चुका है, ये देखो। और इसके अंदर क्या है पता है, मेरे को लग रहा है इसके अंदर वाइट वाली, मेरे को कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन कपड़ा है वाइट, टी शर्ट होगी या कुछ भी हो सकता है भाई, वाइट चीज़ इसके अंदर है। अब पता नहीं ये भाई, यहाँ से देखो टेप लगा रखा है, यहाँ से भी टेप लगा रखा है, लेकिन अंदर दिख रही है ये देखो, ये वाइट चीज़ दिख रही है, और लेकिन है कपड़ा ये। अब ये नहीं पता कि भाई है क्या चीज़। कौन है? हाँ जी है, कौन सा? कोई नहीं, मैं हूँ। उबर बुक करी है? हाँ, वो पुटर पुटर। किस नाम से बुक है? ये देखो ना भैया का ही कॉल आया था अभी, ठीक है। अभी याद आ रहा है क्या तुम्हें? अबे नहीं, मैंने वही गलत जगह गलत ना दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो भाई इस तो तुम्हें यहाँ से मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना है। तो ये राइड 377 रुपये की राइड है, और तुम्हें यहाँ से भाई यहाँ पे नेट इतना स्लो चल रहा है ना, ये देखो भाई अभी तक भी घूमने में ही है, घूम ही रहा है अभी, ये देखो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा नेट सही चल रहा है। तो चलो भाई तुम्हें डिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस कितना है। अरे भाई अब तो खुल जा, तो ट्रिप कर दी स्टार्ट भाई। 1 घंटा 21 मिनट लगने वाले हैं मुझे, और 36 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 36 किलोमीटर के मुझे 377 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई मैं हूँ अभी छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, और मुझे देखो एक राइड और मुझे मिली है, ये मिली है मुझे उबर में। तो भाई उबर में राइड मिली है 215 रुपये की, 25 किलोमीटर दिखा रहा है जाना। और तो भाई मैंने यहाँ की राइड, मैंने ये वाली राइड भी ले ली है, जा रही है गुड़गांव, मतलब कोई मैडम है, लड़की है, कोई लड़की है, वो जा रही है गुड़गांव भाई, नेहा लिखा हुआ है। तो भाई ये जा रही है गुड़गांव, तो सुल्तानपुर से ही मैं सुल्तानपुर पहले इसकी डिलीवरी कर दूँगा, और उसके बाद गुड़गांव छोड़ना है, उसके गुड़गांव के बाद सीधे निकल जाऊँगा घर। तो चलो भाई सही राइड मिल गई, तो चलते हैं, और अभी मैडम का वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं मैडम कितने देर बाद आती हैं। भाई उबर में ही राइड मिली है मुझे ये, हाँ OTP बताओ। 1162। तो भाई फाइनली यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, बाकी पहले इसकी भी पहले मैं पोर्टर की डिलीवरी करूँगा, और उसके बाद जाऊँगा मैं मैडम को छोड़ने। तो चलते हैं, और यहाँ से दिखा रहा है छतरपुर से 4 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे भाई, यहीं पे डिलीवरी करना है इसकी, कॉल कर लेता हूँ बस। तो भाई फाइनली मैंने पोर्टर की जो डिलीवरी थी वो मैंने कर दी है, और बाकी अब चलते हैं गुड़गांव, जो मुझे उबर में राइड मिली थी ना, तो उस मैडम को छोड़ के फिर भी आऊँगा मैं वहाँ से सीधे घर, फिर कहीं नहीं रुकना है भाई मुझे। और बाकी अभी पेमेंट नहीं की है मेरी, तो पेमेंट के लिए व्हाट्सअप पे ही मुझे भेजना है अपना बारकोड भाई। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन मैं 5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और 25 किलोमीटर के मिलने मुझे 216 रुपये, और जिसमें 50-60 रुपये कंपनी काट लेगी। ठीक है, थैंक यू। तो भाई मैडम को कर दिया ड्रॉप, और बाकी 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं, 216 रुपये बन रहे थे मेरे इसमें। तो भाई अगर अर्निंग की बात की जाए तो देखो दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे 59 मिनट दिखा रहा है इसमें, मतलब 9 घंटे, 9 घंटे में मेरे हो गई है 415 उबर में है, और 1048 रुपये ये हैं, तो 1450 रुपये की अर्निंग हो चुकी है मेरी, कितने 9 घंटे में। तो चलो भाई यहाँ से अभी चलते हैं, और देखते हैं भाई अगर राइड मिल जाए यहाँ से, बस एक राइड चाहिए मुझे यहाँ से कापासेड़ा की, तो मज़ा आ जाएगा, बाकी फिर नहीं तो फिर घर को पार हो जाएंगे भाई। भाई मुझे यहाँ से एक राइड और मिल चुकी है हुड्डा मेट्रो की, और तो वहीं से मैं घर को निकल जाऊँगा। भैया OTP बताओ, हैं? OTP बताओ।
और तो मैं यहाँ से डिस्टेंस दिखा देता हूँ, मैं यह है सेक्टर 66 से 5614। मैप स्टार्ट हो जा भाई, ये देखो भाई 13 किलोमीटर दिखा रहा है, 13 किलोमीटर। तो यहीं से रास्ता यहीं से ही है, चले फिर। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हुड्डा सिटी मेट्रो, और यहाँ पे देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे ऑटो और राइडरों की ज़्यादा भीड़ लगी रही। भैया यहीं पे उतारोगे आपको? हाँ उतारो, यहाँ से भी गेट है ना? हाँ 3 नंबर गेट है, यहाँ से चले जाओ। थैंक यू। तो भाई मुझे 13 किलोमीटर का 125 रुपये मिले, चलो भाई सही है, और बाकी ट्रिप को कर देते हैं एंड, और इस क्लोज हो गया, और 5 स्टार के साथ इसको डन कर देते हैं भाई, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो सही मिला मुझे। तो भाई यहाँ पे देखो, और पीछे साइड भी राइडर हैं, और ये सारे ऑटो लोग, ऑटो वाले जितने भी हैं ना, ये देखो ये, और पीछे देखो भाई ऑटो ही ऑटो, ये सारे राइड का ही वेट कर रहे हैं भाई, इनको राइड मिले और ये यहाँ से पार हो जाएं। और तो भाई अर्निंग की बात करें तो देखो, मैं दिखा रहा हूँ हुड्डा सिटी मेट्रो से गुड़गांव जा रहा है सेक्टर, भाई नहीं जाना मुझे अभी, ठीक है। तो भाई अर्निंग की बात करें तो देखो, रैपिडो में बिल्कुल भाई बिल्कुल कर लेंगे, आ जाओ। तो भाई अर्निंग की बात करें 130 रुपये मेरे रैपिडो में हो गए, ठीक है, और बाकी 415 रुपये मेरे उबर में हो गए, 530 रुपये, 540 रुपये ये हो गए, ठीक है। और तो बाकी भाई जो मेरी है पोटर, पोटर में 1048, तो ये काम हो गया 1500-1600 रुपये काम हो चुका है मेरा 8-9 घंटे में। तो बाकी भाई यहाँ से देखते हैं, अगर कापा चढ़ा के अगर राइड मिल जाएगी ना तो भाई मज़ा आ जाएगा, नहीं तो भाई देखते हैं। कापा सेड़ा दिखा रहा है 11 किलोमीटर, और तो भाई चलते हैं, बाकी पगलू भी वहीं पे है। तो अभी टाइम की बात करें तो 8:30 हो रहा है, तो चलते हैं भाई, 9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, 22 मिनट दिखा रहा है। तो भाई अभी यहां से अगर यहां पे मैं वेट करूंगा तो राइड तो मिल जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है भाई। चाचा चलते हैं, थोड़ा दुकान भी देखनी है, बाकी भाई राइड तो तुम्हें, राइड वाले देखो ये फिर से एक राइड बच चुकी है, लेकिन पास वाली है, लेकिन पास वाली मुझे चाहिए नहीं भाई। मैं पहुंच चुका हूं दुकान पे, और मैं भाई आ गया, और बाकी अभी पगलू भी दुकान में ही होगी, तो चलो भाई। ये देखो भाई पहुंच चुका हूं दुकान पे, और बाकी पगलू और चांदनी देखो दोनों ही बैठे हुए हैं। क्या लाई है ये? खरीद के ला रही है। तुम्हें क्या हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी रूम पे, और माँ की अर्निंग की बात की जाए तो, और पोटर में मेरे 1040 रुपये मैंने उसमें अर्निंग की थी, और बाकी उबर में गई थी 415 रुपये की, और बाकी रैपिडो में जो किया था मैंने वो किया था मैंने 135 रुपये की। और तो इन तीनों को अगर मिला जाए तो 1600 रुपये की मैंने अर्निंग की, जिसमें मेरा 400 रुपये का तेल लग गया, बाकी 1100 रुपये मेरी सेविंग आज की। और तो ये ब्लॉग ही लंबा होने वाला है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो जल्दी आप तक पहुंचे।